सो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट टू की सोशल सिक्योरिटी में। इसका टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। इसमें इंक्लूड्स हैं जो जो हेडिंग्स वो हैं ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 इज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस बेटर कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब कि प्रिवेंट करना उनको एक्सप्लॉइटेशन से और इंट्रोड्यूस करवाना बेटर कंडीशन वर्क के लिए। ठीक है, अ वर्कमैन इज डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर व्हेन ही इज हायर्ड इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट और बाय थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये कह रहे हैं कि कोई वर्कमैन है इज डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक, व्हेन ही इज हायर, जब भी वो हायर किया जाता है इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट और बाय थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, किसी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है इस एक्ट के। पहला बात करता है पॉइंट, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। सेक्शन 2A बात करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ विच द अदर एस्टैब्लिशमेंट इज सिचुएट। बी पॉइंट इसमें बात करता है वर्कमैन शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। कनेक्शन होगा उसका वर्क के साथ उस एस्टैब्लिशमेंट के, व्हेन ही इज हायर, जब भी हायर किया जाएगा इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क, ठीक है, थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज के साथ हो सकता है और विदाउट नॉलेज हो सकता है। ठीक है, उनको बता भी सकते हैं इस बारे में, नहीं बता सकते। सी बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट के रिलेशन में अगर हम इसको देखें तो मींस अ पर्सन, एक पर्सन हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट। ठीक है, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, जो क्या करता है प्रोड्यूस करता है कोई गिवन रिजल्ट किसके, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, अदर देन अ मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर टू सच एस्टैब्लिशमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर और हु सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू, या फिर जो सप्लाई कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, किसी भी काम के लिए एस्टैब्लिशमेंट के, एंड इंक्लूड्स एज सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अगला बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, क्या होगी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरीड ऑन, ये भी एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है। प्रिस्क्राइब्ड मींस क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मींस क्या होता है, ठीक है, इन रिलेशन टू एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो होगी, हेड ऑफ दैट ऑफिस जो होगा और डिपार्टमेंट ऑफ सच अदर ऑफिस जो होंगे एज अ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज केस मे स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा इस बिहाफ में। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें है इन अ फैक्ट्री द ऑनर और ऑक्यूपायर, किसी फैक्ट्री में ऑनर और ऑक्यूपायर जो है ऑफ द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के, एंड वेयर अ फैक्ट्री एक्ट, वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज अ मैनेजर, जहाँ कोई पर्सन जो है मैनेजर की पोस्ट पे है ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948, तो ये पर्सन कैसे जाना जाएगा, ये पर्सन भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरह जाना जाएगा। इन अ माइन ओनर और एजेंट, किसी माइन में ऑनर और एजेंट जो होगा उसका ऑफ अ माइन, वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड द मैनेजर, जहाँ किसी पर्सन का नाम भी होगा वहाँ पे मैनेजर होगा उसकी पोस्ट, तो वो भी इसी तरह जाना जाएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरह। इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, किसी और एस्टैब्लिशमेंट में एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन, कोई भी पर्सन जो सुपरविजन के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, जो वहाँ पे काम करवा रहा है एंड कंट्रोल कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। वेजेस की बात करें तो शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 2, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की बात करता है। वर्कमैन की बात करें तो मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल्ड मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवार्ड, जो भी इन सब वर्क के लिए हायर किया गया होगा, ठीक है, और इसको रिवॉर्ड दिया जाएगा इन सब वर्क के लिए, तो वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यहाँ क्या होगा एम्प्लॉयमेंट टर्म जो होगा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड किया जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन, ये पर्सन को नहीं होगा, कौन से, हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, और रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर द एक्ट की बात करें तो एवरी एस्टैब्लिशमेंट इज कवर्ड ऑल्दो इफ इट वांट टू एंगेज 20 और मोर पर्सन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, क्या होता है जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोगों को क्या किया जाता है, रखा जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, देन इट हैज़ टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड, क्या होंगे अपने आप ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, हर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट का अंडर सेक्शन 7 क्या करेगा, टू विच द एक्ट अप्लाइज, ये एक्ट अप्लाई होगा वहाँ पे। ठीक है, तो then an application to the registration officer shall be made by the employer within the prescribed time limit in the prescribed manner for registration of the establishment. The registration fee varies from 20 to 500. registration fee kitni ho sakti hai, 20 se 500 tak ho sakti hai, which is related to the number of workmen employed, kyunki relate karegi workmen employed ke dwara. and if the application is complete in all respects, agar application kya ho jata complete ho jata hai sabhi respects mein, to as a contract labor is payable, kya hoga payable hoga, a certificate of registration is in prescribed form, certificate kya hoga प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, सर्टिफिकेट इज रजिस्ट्रेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी डन बाय द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, किसके द्वारा डन किया जाएगा, पूरा किया जाएगा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के द्वारा, एंड बाय द एस्टैब्लिशमेंट एंड इशू ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट ये और इशू किसके द्वारा किया जाएगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया जाएगा ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस,
रिवोकेशन की बात करें अगर इसकी, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द रजिस्ट्रेशन कैन बी रिवोक्ड. रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है कौन कौन से केसेस में हो सकता है वो, इन केस इफ द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड ईदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेंड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट. क्या मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसमें सप्रेशन किया गया है, कुछ पाया गया है, कुछ गलत बताया गया है, ठीक है, ऑन अ रेफरेंस मेड टू हिम और हिज बिहाफ अदरवाइज और इफ द रजिस्ट्रेशन हैज बिकम इनइफेक्टिव और यूजलेस, ठीक है, ऑफ एनी अदर रीजन देयरफॉर इट रिक्वायर्स रिवोकिंग. Thus, in both cases, of opportunity for the principal employer of the establishment shall be given by the registering officer to be heard also in case of registering is to be revoked. He will also obtain previous approval of the appropriate government. तो क्या करेगा, previous approval लेगा appropriate government जो भी होगी वहाँ पर, ठीक है. Licensing of contractor की अगर बात करें तो every contractor who has employed 20 or more worker है, हर एक contractor जो भी क्या कर रहा है, employed करवा रहा है 20 और उससे ज़्यादा workers को on any day किसी भी दिन में of the month has to obtain a license. क्या होगा, उसको लाइसेंस देना होगा फॉर इंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्किंग फॉर एनी एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एंगेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, ठीक है. द अदरवाइज सॉरी द अथॉरिटीज लाइसेंसिंग ऑफिसर जो होगा विल इशू द लाइसेंस एज पर द प्रीवियस अंडर सेक्शन 12. ये अकॉर्डिंग क्या करेगा, लाइसेंस प्रोवाइड करवाएगा. वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें तो वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नीड टू बी पेड एज पर द मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है, उनको मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग जो पे करना है वो तो उनको पे करना ही है. फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनके हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन मेड मैंडेटरी बाय द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, सच एज सेफ्टी ड्रिंकिंग. कुछ मैंडेटरी हैं जो करवाने ही करवाने हैं, जैसे सेफ ड्रिंक वाटर हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो होगा, कैंटीन फैसिलिटी उनको देनी है, फर्स्ट एड फैसिलिटी उनको देनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. पेनल्टीज एंड प्रोसीजर की बात करें तो इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी रूल्स मेड द देयर अंडर ऑफ विच नो अदर पेनल्टी इज एल्सवेयर provided he shall be punishable with imprisonment for the term. अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर पे बने हुए हैं, तो उसको पनिशेबल होगा, उसको जेल हो सकती है, इंप्रिजनमेंट हो सकता है उसको, और क्या वो 3 months के लिए, फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है, और उसको फाइन पड़ सकता है 1000 rupees, या फिर ये दोनों चीज़ें ही उसको हो सकती हैं एज ए पेनल्टी, ठीक है. सो दिस इज़ कम्प्लीटेड यूनिट 2 ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड पोल्यूशन एक्ट 1970. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.